हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आप कैसे बैंक की कंप्लेन आरबीआई के अंदर कर सकते हैं। आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर मेंशन करना है आरबीआई, देन क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंप्लेन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम जूम कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कंप्लेनेंट का नाम मेंशन कर लेंगे, जैसे मेरा नाम अजीम है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ओटीपी क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ओटीपी मेंशन कर लेंगे, ये ओटीपी आ गया, पेस्ट कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे। अब यहाँ पे अपना ईमेल मेंशन कर लेना है, जो भी आपका ईमेल है। यहाँ पे किस कैटेगरी में आपकी कंप्लेन है, लाइक इंडिविजुअल है या बिजनेस पर्पस है या ट्रस्ट पे है। तो जैसे मेरी यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे अपनी एज मेंशन करनी है, अपना जेंडर, देन यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हैं, आपका रेसिडेंस किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, जो भी यहाँ पे रहते हैं आप, नीचे यहाँ पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, एंटिटी नेम पे क्लिक करेंगे जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं एसबीआई पे कंप्लेन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ। ये देखिए मिल गया, पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन ब्रांच, कोई भी ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है। जैसे मेरी सिविल लाइन है, देन यहाँ पे इस पे नो पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि अगर यस करेंगे तो कंप्लेन आपकी रजिस्टर्ड नहीं होगी। इस पे भी नो पे करना है, इस पे भी नो पे करना है। नीचे वाले भी नो पे करना है, इस पे भी नो पे करना है, इस पे भी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, क्योंकि तभी आपकी जो कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी। 30 दिन के बाद ही यहाँ पे आगे में आप कंप्लेन कर सकते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे यस करना होगा कि हाँ आपने पहले कंप्लेन की हुई है एंटिटी के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे आप यस पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने तब कंप्लेन की है वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, कंप्लेन की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देंगे बैंक में जो आपने कंप्लेन की थी। कोई रिप्लाई अगर आया था यहाँ पे तो आप यस कर देंगे, और किस डेट को आया था, कोई रिमाइंडर अगर आया था कि नहीं, उसमें आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन क्या था वो आप मेंशन कर लेंगे, कंप्लेन किस अकॉर्डिंग है, लाइक वॉलेट से रिलेटेड है या बिजनेस करस्पॉन्डेंट है या एटीएम क्रेडिट कार्ड रिलेटेड है या बैंक अकाउंट रिलेटेड है, देन नेक्स्ट करके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी कोई फालतू कंप्लेन मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।